आप उसको गाली देते हैं कि ये हड़ताल बंद ये नेता लोग गलत काम करते हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार या कोई ममता बनर्जी क्या करेगा भाई, आप हमको जरा बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन दोषी हो जाए, शासन प्रशासन दोषी हो जाए, उसमें सीधा मुख्यमंत्री को सब जगह आप गाली देते रहे तो आप घर में क्यों सोए हुए हैं? केंद्र को बेटी पर ही राजनीति करनी है तो केंद्र उत्तराखंड का जवाब दे ना, बिहार का जवाब दे ना, अब बंगाल के उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण का जवाब देना। जब आप सियासत के लिए बलात्कारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा तो आप किस मानसिकता से आप उम्मीद करते हैं कि बलात्कार की घटना रुके? बेटी को भी आप बायफर्केट कीजिएगा डॉक्टर से, बेटी को भी बायफर्केट कीजिएगा किसी चीज से। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अरेस्ट हो गए, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर है। कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं केंद्र? आप आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं पाते हैं और आम आदमी की गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब ये देश में हड़ताल आज तक क्यों नहीं करते हैं? ये डॉक्टर तोड़फोड़ करे तो कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं, डॉक्टर के कारण पब्लिक मर रही हो कोई कारण नहीं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अब इसको क्या चाहिए? मानवीय कृत्य करते हैं ये डॉक्टर लोग, ये इनको गॉड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया ने दिए, ये इंसान है। आप कानून भी आप ही हैं, जब और लोग हड़ताल करते हैं तब आप उसको गाली देते हैं कि ये हड़ताल बंद ये नेता लोग गलत काम करते हैं, और बेटी को आप डॉक्टर से आजाद से, जैसे मायावती जी और चंद्रशेखर जी ने ट्वीट कर दिया, उसके अलावे कोई नेता अभी तक क्यों नहीं गए? बिहार में 4 बलात्कार हुए, उत्तराखंड में बलात्कार हुए नर्सेस के साथ, और बिहार में सबसे बड़ा विभत्स घटना तो नहीं घटी, एक भी नेता नहीं गए, एक भी दलित लीडर नहीं गए, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं, जो मांझी जी दलित लीडर कहते हैं अपने को, बड़ा हमारे परिवार के तरह है, जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार या कोई ममता बनर्जी क्या करेगा भाई, आप हमको जरा बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन दोषी हो जाए, शासन प्रशासन दोषी हो जाए, उसमें सीधा मुख्यमंत्री को सब जगह आप गाली देते रहे तो आप घर में क्यों सोए हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष तो इसीलिए नहीं गया कि उत्तराखंड में राजनीति, बंगाल में राजनीति करनी है और केंद्र को बेटी पर ही राजनीति करनी है तो केंद्र उत्तराखंड का जवाब दे ना, बिहार का जवाब दे ना, अब बंगाल के उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण का जवाब देना, राम रहीम का जवाब देना, आसाराम का जवाब देना, बाबाओं का जवाब देना, ये राम रहीम ब्रजभूषण का जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग? तो जब आप सियासत के लिए बलात्कारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा तो आप किस मानसिकता से आप उम्मीद करते हैं कि बलात्कार की घटना रुके? और निर्भया बलात्कार के घटना के बाद 33% बलात्कार इस देश में बढ़ी है, 33%। और बेटी को भी आप बायफर्केट कीजिएगा डॉक्टर से, बेटी को भी बायफर्केट कीजिएगा किसी चीज से। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अरेस्ट हो गए, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर हैं बेटी के सवाल पर, फिर राजनीति कैसा? और कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं केंद्र? आप आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं पाते हैं और आम आदमी की गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब ये देश में हड़ताल आज तक क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये और 12 की मौत हो गई, ये 12 मौत के जिम्मेदार कौन होंगे? डॉक्टर पे 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? ये लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर तोड़फोड़ करे तो कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं, डॉक्टर के कारण पब्लिक मर रही हो कोई कारण नहीं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अब इसको क्या चाहिए? मैं सीधा जानता हूं, अमानवीय कृत्य करते हैं ये डॉक्टर लोग, ये इनको गॉड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया ने दिए, ये इंसान है और इन्हें इंसानियत का पता नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल का पता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अविलंब फांसी हो, हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि एसपीडी ट्रायल करा के 1 महीने के अंदर इन बेटियों के बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, करेंगे।
और आगे इसके बाद अब कोई बलात्कार नहीं होगा, इसकी गारंटी केंद्र लेंगे डॉक्टर। इसलिए अनह्यूमन है और अपने ईगो के कारण डॉक्टर आम लोगों की जान ले रहे हैं। आप डॉक्टर पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, हम हर व्यक्ति पर खड़ा करेंगे, नेता पर खड़ा नहीं किए कि राम रहीम, अब ब्रजभूषण क्यों नहीं गए विपक्ष के नेता कि संजय यादव ने बलात्कार किया मारा, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्यों नहीं गए अभी तक, क्यों नहीं गए अभी तक, क्यों नहीं गए मधुबनी, क्यों मोतिहारी नहीं गए, क्यों? मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से जो बच्ची की, नाबालिग बच्ची के साथ, मैं वहीं जा रहा हूं, मैं वहीं पूछना चाहूंगा दलित नेताओं से बिहार में और विपक्ष से कि अभी तक आप वहां क्यों नहीं गए, उसकी मदद क्यों नहीं किए। सत्ता पक्ष इसलिए नहीं गए कि उन्हें राजनीति करनी थी बंगाल में, विपक्ष इसलिए नहीं गए कि उनके जात इन्वॉल्व हो गए। बलात्कारी जात नहीं होता है विपक्ष महोदय, वो बलात्कारी होता है, वो इस जन्म में नहीं हो सकता। बलात्कारी मर्डरर कोई भी होगा, उसे फांसी मिलनी चाहिए। मधुबनी के बलात्कार में कौन है, मोतिहारी के बलात्कार में कौन है? बेटी जाति नहीं हो सकती, कोई दलित यादव राजपूत भूमिहार नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर और नेता, कभी राम रहीम, आसाराम, ब्रजभूषण, बाबा, कभी जात, ऐसे नेताओं से जब तक यह देश नहीं बचेगा, ये जो नवसिखु नेता आए हैं एक तो बिहार में, ये ना धरना देंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना ये कहीं जाएंगे, पैसा के बदौलत ये फेस चमकाएंगे सोशल मीडिया और टीवी पर, पैसा दे दे करके बयान करवाते हैं सबको, सबको पैसा दे दे, इनको जाने से फुर्सत नहीं है, ये राजनीति करेंगे। इसीलिए इन लोगों से बचाइए। भागलपुर की घटना को कैसा लगता है, जिस तरीके से भागलपुर में अगवानी पुल फिर से तीसरी बार पिलर एक, सर ये जो सिंगला कंपनी है ना, इसको जिंदा दिन में हैंग कर देने की इसके मालिक को जरूरत है। इसका मालिक लुटेरा है, बिहार से अरबों करोड़ों लुटाया है, 10 कंपनी बना लिया है, एक कंपनी वन बैंड होता है और इसके साथ यहाँ के सारे RWD PWD पुल निगम के सेक्रेटरी मिले हुए हैं, सबने लूटा है। सिंगला कंपनी का मालिक सबसे बड़ा लुटेरा है, उसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी ईडी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इस पर FIR लॉज होना चाहिए। पटना में भी 3 लोग मरे थे, ये कंपनी के मालिक लोग से बड़ा बेईमान, बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, और इसके साथ मिला हुआ रहता है ये सेक्रेटरी और ये दोनों, और ये माफिया ठेकेदार नेता लोग, इन लोगों से पैसा वसूलते हैं और पैसा लेते हैं। तो परसेंटेज लीजिएगा 60%, मंत्री लेंगे परसेंटेज और सेक्रेटरी, तो सिंगला कंपनी का पुल नहीं गिरेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.